Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डायमंड कैसीनो को बॉम्ब लगा के पूरा ब्लास्ट कर दिया था और साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन और लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस के घर में घुस के उसको पकड़ लिया था. बट हाँ, हम लोग उसके घर में तो आ चुके हैं लेकिन अपना यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है. बट हाँ, वो बात अलग है कि वो लोग हमें घुस के मार नहीं रहे क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है अगर उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश करी तो हम लोग भी उनके बॉस डगन को मार डालेंगे. फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते क्योंकि इसकी ये वाली आर्मी तो भले ही कमज़ोर है बट इसकी जो नॉर्थ यंगटन वाली आर्मी है वो यहाँ पहुँच गई तो भाई अपना मरना कन्फर्म है. इसीलिए हमें जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. बाकी एक बार इसके बंदों को देखो, हमने कितनी बुरी तरह मारा था लास्ट डे. फिलहाल अभी लेस्टर बेसमेंट में बैठा हुआ है डगन बॉस को पकड़ के. मुझे भी जल्दी से नीचे चलना चाहिए क्योंकि लेस्टर एक बढ़िया प्लान बना रहा है यहाँ से निकलने का. तो मुझे पता करना होगा ना आखिरकार वो प्लान है क्या. बाकी एक बार ही आप लोग ना इसका घर देखो भाई, मतलब पूरा बेसमेंट में इसने इतना कुछ बना रखा है और ये इतने टाइम से यहीं पर रह रहा था और हमें पता ही नहीं था. पहले पता होता तो मैं इसके घर में घुस के ऑलरेडी इसे मार चुका होता. ये देखो, नीचे बेसमेंट में इसने अपने लिए इतना बड़ा थिएटर बना रखा है और यहाँ पर इतनी सारी सीट्स हैं, पक्का ये अपने दोस्तों यारों को बुला के यहाँ पे पार्टी करता होगा. फिलहाल अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ. यही वाला रूम है जहाँ पर हमने डगन बॉस को पकड़ के बिठा रखा है. इधर भी इसकी काफ़ी सिक्योरिटी थी, अगर मैं नीचे गन लेकर नहीं आता तो ये हमें मार डालते. बट हेलो, ये डगन बॉस कहाँ चला गया? हमने इसको लास्ट टाइम यहीं तो पकड़ा था. लेस्टर भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है. वेट, एक बारी में किसी और रूम में चल के चेक कर लेता हूँ, हो सकता है लेस्टर उसे किसी दूसरे रूम में लेकर चला गया हो. फिलहाल राइट साइड में तो वॉशरूम है, एक ये वाला रूम है जो कि मैंने चेक नहीं करा था और डगन बॉस को लेस्टर यहीं पर लेकर आया. बाकी एक बारी आप लोग इसकी हालत देखो क्या हो चुकी है. लेस्टर तो अपना यहाँ पर प्लान वगैरह बना रहे कि हमें यहाँ से कैसे बाहर निकलना चाहिए, बट मुझे इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है. ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अभी ना अपना सबसे पहला टास्क यही है कि हमें डगन बॉस को सही सलामत यहां से लेकर बाहर निकलना होगा क्योंकि इसके जितने भी सीक्रेट्स हैं ना, जहां पे इसका सारा का सारा पैसा रखा हुआ है, वो सब कुछ हमें इससे उगलवाना है. फिलहाल मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है भर भर के मारूं लेकिन लेस्टर ने मुझे इसे मारने के लिए मना करा है क्योंकि बाय चांस ये मर गया तो फिर इसका सारा का सारा पैसा भाई धरा रह जाएगा. वो बात सिर्फ इसी को मालूम है ना, क्योंकि तो इससे पूछना जरूरी है. फिलहाल अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए लेस्टर का वो जो व्हीकल था ना, जिस व्हीकल में हम लोग यहाँ पर आए थे, कुछ भी करके वो व्हीकल में एक बारी बस जाके बैठना है क्योंकि वो पूरा बुलेट प्रूफ है. वो व्हीकल में बैठ गए तो हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे, बट वो व्हीकल खड़ा है सामने जहाँ पे सिक्योरिटी है. तो गाइस, अभी ना मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. और वेट, मेरे निकलने से पहले शायद इन लोग को मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ से बाहर आने वाला हूँ. बट दिक्कत किस बात की, अपने पास कुछ बॉम्ब है जो कि मैं इनके ऊपर पीछे डाल के ब्लास्ट कर दूंगा तो आधे से ज्यादा ये लोग तो ऐसे ही मारे जाएंगे. और गाइस, अभी ना मुझे या तो यहाँ से भागना पड़ेगा या फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सामने से काफी सारे लोग आते जा रहे हैं. एक बॉम्ब और डाल के देखता हूँ, एक लोग मारा गया इससे, एक और बॉम्ब डालता हूँ, कुछ ना कुछ तो तबाही इसी से मची जाएगी. बाकी एक बॉम्ब मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ और एक बॉम्ब मैं पीछे इधर लगा के रखता हूँ ताकि जैसे कोई आए मैं इन सभी बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूँ. एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं फंस जाऊँ उसमें. बाकी भी मुझे ना यहाँ से अंदर भागना चाहिए. सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा गलत तबाही हो सकती है. बाकी एक बंदा सामने ऐसे आ रहा था, इसको भी मैंने मार दिया है. और अभी मुझे यहाँ पर कोई नहीं नजर आ रहा. ओ वेट, कोई तो झाड़ी के पीछे से छुप के मुझे मारने की कोशिश कर रहा है. वेट, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है सारे डगन के घर के, तो उस पार तो मैं नहीं जा सकता. बाकी उत्तीरी बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं. वेट, बॉम्ब डाल देता हूँ भाई, इसी से कुछ ना कुछ होने वाला है. एक बॉम्ब ट्री पे लगा के इसको ब्लास्ट करता हूँ, लेट्स गो. अभी काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं. अपनी गाड़ी गाइस वो खड़ी हुई है सामने, मुझे बस एक बारी उस गाड़ी तक पहुंचना है, अपना सारा काम ऐसी सोल्व हो जाएगा. गाइस, अपनी ये जो गाड़ी है सामने देख रहे हो कितनी ज्यादा पास में खड़ी है, बट अपनी इतनी किस्मत खराब है कि मैं कुछ भी करके उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, ये लोग मुझे बहुत बुरी तरह मार डालेंगे. फिलहाल ये जो बुलेट प्रूफ डोर्स है ना, इसका फायदा उठा के मैंने इनके काफी सारे बॉडी गार्ड्स को मार दिया है. एक ये वाला गेट है बट सामने मुझे अपनी कार नजर नहीं आ रही. अपनी कार इस वाले गेट के इधर, तो खैर किचन की विंडो है. मुझे अगर उस तक पहुंचना है ना तुरंत, तो मैं इस वाले डोर के थ्रू बाहर हो सकता हूँ. वेट, इसका ये वहां कैसे मार रहा था? लेट्स गो,
ये काफी ज्यादा सही हुआ है। एक बार बाहर निकलने से पहले ना मैंने काफी सारे जो बॉम्ब प्लांट करे इन सभी को ब्लास्ट कर देते हैं। अभी जितने बंदे मेरे हिसाब से शायद मारे जा चुके होंगे। लेट्स गो, मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका हूँ। वेट, अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा है, बट हाँ थोड़ा बहुत धुआं इसमें से निकल तो रहा है। मुझे अपनी गाड़ी ना यहाँ से सीधा पीछे की तरफ निकालनी चाहिए। अभी भी सामने कुछ कुछ लोग हैं जो कि मुझे मारने में लगे हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ से मोड़ते हैं और बैक साइड पर लेकर चलता हूँ, और जल्दी से लेस्टर को बुला करना यहाँ से निकल लेते हैं। ओ भाई वेट, लेस्टर कहाँ रह गया? रुक जाओ। ओ भाई एक से ये अभी भी यहाँ पर भाग भाग कर आ रहे हैं। इधर आ बेटा, तूने हल्के में ले लिया मेरे को। तीरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर खड़े करता हूँ, लेस्टर को कॉल करके फटाफट से बाहर बुला लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने जल्दी से लेस्टर को कॉल करके बोल दिया है कि वो बाहर आ जाए, और वो फटाफट से डगन बॉस को लेकर आ भी गए। अभी जल्दी से बस मुझे इन दोनों को गाड़ी में बैठाना है, और जहां पर लेस्टर चलने के लिए बोलेगा उस जगह पे जाके आगे का प्लान कंटिन्यू करना है। बाकी यहाँ पर बैठ जा भाई गाड़ी में, जल्दी कर, अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब तबाही मचानी है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने डगन बॉस को आगे वाली सीट पे अपने साथ बैठा लिया है, और लेस्टर को पीछे वाली सीट पे ये मिनी गन देके बैठा दिया है। अभी जल्दी से ना मैं बैक साइड से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वेट भाई साहब, ये क्या हो रखा है बैक साइड पे? एक सेकेंड, अपने पास ये जो गन है ना, ये कब काम आएगी भाई? ये सारे के सारे लोग मिनी गन लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे, और सामने ये पुलिस वाले को भी मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बस अब चुपचाप से यहाँ से एस्केप कर लेना। कह रहे चुपचाप वाला एस्केप नहीं हुआ, शायद से वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं, बट कोई नहीं, लेस्टर है हमारा साथ देने के लिए। जो कोई भी आएगा लेस्टर से 2 मिनट में उड़ा डालेगा। बाकी यार सब लोग अपनी गाड़ी साइड हटा लो, ये गाड़ी इतनी डेंजरस है ना, किसी से छू गई तो समझ लो वो बंदा खत्म है। बाकी वेट 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 वेट, ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है फिलहाल। हाँ अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को किसी साइड में लेकर चलते हैं जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, और फिर फटाफट लेस्टर से पूछते हैं कि अभी हमें किस लोकेशन पर जाना चाहिए छुपने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि हमें अपने लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस पे ही जाना होगा, क्योंकि वही एक सबसे सेफ जगह है अपने लिए, जहाँ पर हम लोग खुद भी सेफ रह सकते हैं, प्लस डगन बॉस को भी सेफ रख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार डगन बॉस ने जो हरकत करी है इसे तो मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको सेफ क्यों रखना है उसका रीज़न मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। खैर आप लोग को याद ही होगा वैसे, अपना जो दोस्त, ओ वेट सामने से ट्रेन आ रही है, मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी को आराम से लेफ्ट कर लूँगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, इसको सेफ रखने का रीज़न ये है कि जो अपना दोस्त है उसने हमें बोला था कि अगर तुम डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करोगे और अगर डगन बॉस को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओगे तो वो हमें हमारी मुंह मांगी रकम देने वाला है। तो बस हमें उसके पास डगन बॉस को जिंदा, अभी मतलब कुछ भी हो जाए बस डगन बॉस मरना नहीं चाहिए, तो इसीलिए एकदम सेफली मैं उसको वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। अगर रेलवे ट्रैक के थ्रू चलेंगे तो हमें ट्रेन से ही खतरा है, बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई हमें ध्यान देने वाला है। और गाइस शायद से आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, बट वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अपनी कार है ये पूरी बुलेट प्रूफ है, बट उनके वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जैसे अपनी गाड़ी आगे गई ना, उन्होंने अपनी मिनी गन और RPG मार के इसका पूरा आगे वाला ग्लास तोड़ दिया था। बट हाँ अच्छी बात तो ये थी कि लेस्टर ने फटाफट से उन लोग को मार दिया, और यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है। पीछे वाला ग्लास भी पूरा चटका दिया था, अगर ये टूटता ना तो लेस्टर के सीधा गोलियां पड़ती, और हो सकता था कि लेस्टर भी डाउन हो जाता। बट हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग सेफली वहाँ से निकल गए। डगन बॉस भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, लेस्टर भी सेफ है। अभी बस हमें सीक्रेट बेस पे पहुंचना है, वो भी सीक्रेट रास्तों से। लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली मैं ये लॉस सैंटोस की पतली पतली गलियों से अपनी गाड़ी भगाता हुआ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पहुंचने वाला हूँ, और ये चीज देख के आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि मैं कैसी कैसी जगह से इस गाड़ी को लेकर आया हूँ, कभी सीढ़ियों से उतार के, कभी किसी की गाड़ियाँ ठोक के। बट हाँ फाइनली हम लोग पहुँच पा रहे हैं। लेस्टर भाई सर बचाइयो, सर भिड़ जाएगा, बहुत गंदे वाला वेट, मैं आराम से निकालूंगा। लेस्टर का सर नहीं भिड़ना चाहिए ऊपर, वो बेचारा हमारी सिक्योरिटी के लिए ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। लेट्स गो, अभी मुझे दोबारा से अपनी गाड़ी को रोड में निकालना है, फिर दोबारा से उस गली में अंदर घुसेड़ देना है। लेट्स गो, किसी ने नहीं देखा। फाइनली हम लोग काफ़ी सारे CCTV कैमराज में कैच हो गए होंगे, बट ये लेस्टर है ना अपने साथ, ये जहाँ जहाँ जाएगा भाई कोई भी CCTV कैमरा काम नहीं करेगा, बिकॉज अपने पास ऐसे ऐसे डिवाइस है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट हाँ फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाना है, और मुझे एक गाड़ी भी छुपानी पड़ेगी या तो ब्लास्ट करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं पर पार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डगन बॉस को उतारते हैं और चलते हैं सीधा सीक्रेट बेस के अंदर। चल भाई लेस्टर बाहर आ जा, अब इसको मैं बाहर निकालने वाला हूँ। चलो ये बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी, बहुत हो गया, बहुत बदमाश बन रहा था ना इतने दिनों से। आ जा बाहर आ जा, गेट बंद कर गाड़ी का, फटाफट उठ और जल्दी से ऊपर निकल ले। इधर इधर इधर, हाँ मेरे पीछे पीछे आ जा, बस फटाफट ऊपर चल,
ऊपर नहीं चलेगा ना बेटा, इधर आ तेरी भैंस की, इतनी धीरे चल के दिखाएगा, इतना तो मारा भी नहीं जितनी स्लो ही चल के दिखा रहा, उठ जा बेटा, नहीं उठेगा भी एक और पड़ेगा, फटाफट से हमें कोई देरी नहीं चाहिए, चुपचाप ऊपर चल। आज इसको ले जाकर हम लोग जो पीटने वाले हैं ना, ये कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आखिर इसका सारा का सारा प्रॉपर्टी और जितना भी इसके पास पैसा है वो हमें चाहिए। लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग इसे अपने सीक्रेट बंकर में लेकर आ चुके हैं। घूम के क्या देख रहा है भाई, जल्दी नीचे चल। वो तेरी भाई एक घूसा मारा, चार सीढ़ी, चार नहीं कुछ ज्यादा ही सीढ़ियां नीचे आके गिर चुका है। फटाफट फटाफट अंदर चलो ब्रो। सीढ़ी ऐसी की तैसी, पीछे कहां भाग रहा है? इसको पता चल चुका है अभी हम लोग इसको बहुत गलत जगह पे लेकर आ चुके हैं। दोबारा उठ के एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है? अब चुपचाप यहीं पर बैठ, अभी लेस्टर को बुलाते हैं, वो अच्छे से इसकी ऐसी तैसी करेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने डगन बॉस की कुटाई का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसने ये पता नहीं क्या बैक साइड में कुछ गर्म होने के लिए लगा रखा है, अपने हाथ में रेंच लिया हुआ है, और सबसे डेंजरस चीज ये जो वायर है ना, आप देख पा रहे हो, इस वायर से कोई बहुत डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है जो कि ये डगन बॉस को देने वाला है, ताकि ये अपने सारे के सारे सीक्रेट्स उगले कि कहां पर इसका पैसा रखा है और इसके वेपन्स वगैरह सब कुछ आखिर हमें पता करने हैं। बाकी यहाँ लेस्टर ने भी बोला है कि ये काम वो खुद कर लेगा, अभी हमें सबसे पहले अपने दोस्त को, मींस जिसके लिए हमने डगन बॉस को पकड़ा है और डायमंड कैसीनो फोड़ा है, उसी ने हमें बोला था कि डगन बॉस को पकड़ने के बाद वो हमें मुंह मांगी रकम देगा, तो उसको जल्दी से कॉल करके बोलते हैं कि डगन बॉस हमारे पास है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और हम लोगों ने इसके कहने पे इसका सारा काम कर दिया है, और ये बात सुन के इसे भी काफी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इसने हमें डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करने के बोला था, हमने वो भी ब्लास्ट कर दिया। इसको डगन बॉस जिंदा चाहिए था, हम लोग डगन बॉस को भी जिंदा पकड़कर लेकर आ चुके हैं। अब बस इसकी बारी है कि हमें जितना पैसा चाहिए, इसने बोला था हमें उतना पैसा ला कर देगा, तो इसने हमसे टाइम मांगा है शाम के 8 बजे तक का। तो जैसे ही 8 बजेंगे वैसे हम लोग इसके पास जाने वाले हैं डगन बॉस को लेकर। बट हाँ, 8 बजे तक हमें डगन बॉस को बस जिंदा रखना है, क्योंकि अगर ये मरा ना तो फिर वो हमें इस बात के पैसे नहीं देने वाला है। तो बस अभी बस डगन बॉस जिंदा रहेगी, कहीं खुद को ना मार ले, और लेस्टर को भी मैं समझा देता हूँ कि उसने बोला है डगन बॉस उसे जिंदा ही चाहिए, तो इसको ज्यादा भी टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा है उतना बहुत है। गाइस, लेस्टर कह रहा है कि उसने इसको भी हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि इसने डर के मारे ही अपने सारे के सारे सीक्रेट्स हमें बता दिए हैं। बट हाँ, उन सीक्रेट से हमें ज़्यादा कुछ खास जानने को नहीं मिला है, क्योंकि ये कह रहा है कि जितना भी पैसा कमाता था ना, ये सारा का सारा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगा दिया करता था, अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब इसने कुछ भी पैसा सेव नहीं करा, बस हमेशा टैंक्स, बड़े बड़े वेपन्स, बड़े बड़े जेट प्लेन, इन सब में ही खरीदने में वेस्ट कर दिया। बट हाँ, एक चीज़ ऐसी है इसकी जो कि हमें बहुत ज़्यादा फायदे में ले जा सकती है, मीन्स ये कह रहा है कि इसके पास ना एक माइन शाफ्ट है जहाँ से ये गोल्ड माइन करता है, और इसका सारा पैसा वहीं से आता है अभी भी। तो बस लेस्टर ने मेरे लिए बाइक निकाली और वो कह रहा है कि जल्दी से जाके देख क्या आखिरकार ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। लोकेशन लेस्टर ने हमें दे दी है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पर है इसकी माइन शाफ्ट। मुझे तो इतना पता था कि ऐसे अंडरग्राउंड होती है बहुत ज़्यादा, बट इसने जो लोकेशन दी है वो एक माउंटेन की लोकेशन है, इसीलिए थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। मुझे लग तो रहा है कि हमें पागल बना रहा है। फिलहाल लेस्टर यहीं पर रुकने वाला है, हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगर लेस्टर हमारे साथ आएगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी ना, ये भाग जाएगा यहाँ से। बट हाँ, हम लोग इसे लॉक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना, अभी बस हमें इसे जिंदा रखना है। हो सकता है ये खुद को मार भी ले, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना अपने लिए। फिलहाल ये जो बाइक है, ये सीढ़ियों से काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से उतरती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड के लिए नहीं, सीढ़ी के लिए ही बनी है। वैसे हाँ, ये सच्ची में ऑफ रोडिंग वाली बाइक ही है। लेट्स गो, इसको लेकर नीचे आ चुके हैं, जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ से घुमाते हैं और फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे इसने बताया है कि इसकी माइन शाफ्ट है, जहाँ पर लोग इसके लिए गोल्ड माइन करते हैं। अगर वो सही में हुई ना, तो सच्ची बता रहा हूँ, एक तरीके से अपने लिए बहुत बड़ी लॉटरी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वहां से हमेशा हमें गोल्ड आता ही रहेगा। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर डगन बॉस की दी हुई लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं, और अभी हमें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर डगन बॉस कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। फिलहाल मुझे तो उसके ऊपर सही में बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है माइन शाफ्ट अंडरग्राउंड होती है बहुत ज्यादा डीप जाके, लेकिन उसने जो हमें लोकेशन बताई है वो यार, ये आप माउंटेन्स देख पा रहे हो, ये यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि यार माइन शाफ्ट होगी। बट वेट, इधर ये माउंटेन शायद से कट हो रखे हैं, पर ये तो शायद से रास्ता बनाने के लिए कट करे होंगे, पता नहीं यार क्या ही सीन है। फिलहाल ये जो बाइक आप देख पा रहे हो ना, ये नॉर्मल रोड पे तो अच्छी स्पीड में चलती है, बट ये जो सैंड वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ पर दूसरे व्हीकल्स नहीं चल पाते, ये उस इस एरिया में ये और तेज चलती है। फिलहाल यहाँ पर मुझे वेट, उसने जो लोकेशन दी थी, यहाँ पर एक सही में माइन शाफ्ट है, एक गेट गया हुआ है, मुझे नहीं पता ये माइन शाफ्ट का गेट है या फिर क्या है, बट हाँ वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं,
मुझे एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना अपनी बाइक पहले ऊपर लेकर चलना चाहिए आराम से। यहाँ से मैं एक बारी दूर से देखता हूँ आखिरकार क्या सीन है। यार डगन बहुत सच बोल रहा है, यानी उसकी हालत ख़राब है, उसे पता है झूठ बोलेगा तो मारा जाएगा। फिलहाल अभी चुपचाप से चल के देखता हूँ। मेरे पास स्नाइपर है जिसके अंदर एडवांस स्कोप लगा हुआ है, तो मैं आराम से जूम करके देख सकता हूँ। बट हाँ, मुझे ध्यान रखना होगा कि सामने से कोई बंदा मुझे देख ना ले। वेट, सामने मैं ओके, तो यही है माइन शाफ्ट जिसको ढूंढने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और डगन बॉस ने हमें एकदम सही लोकेशन दिया है और सब कुछ एकदम सच बोला है। ये देखो, ये रेलवे ट्रैक है, यहीं से कार्ट बाहर आएंगी शायद से। वेट, किसने, ओ तेरी भाई, ये कितने ज़्यादा डेंजरस है, इन्होंने मुझे देख भी लिया इतनी जल्दी। बट वेट, एक दो को तो मैंने मार दिया है, शायद से एक बंदा वहाँ पर और बचा हुआ है। भाई ये कितने ज़्यादा फास्ट है, मैं बस निकला ही था और इन्होंने मुझे देख भी लिया। बाकी यहाँ पर एक गिवेट, ये है एक बंदा जो कि मेरे को मारने के लिए लगा हुआ है। निकलते रही ऐसी की तस्सी, इसके हेडशॉट मैंने मार दिया है और एक बंदा शायद से थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। बेटा गन तो आपके पास है ही नहीं, निकलो यहाँ से, हल्के में ले रहा था हमें। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया। शायद से यही तीन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आके फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ से नीचे कुदा देते हैं और जल्दी से चलते हैं सीधा माइन शाफ्ट के अंदर। बट वेट, लेट्स गो, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं इस माइन शाफ्ट के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर गोल्ड सही में है या फिर नहीं। फिलहाल ये जो गेट है ये लॉक हो रखा है। दिस प्रॉपर्टी इज क्लोज टू द पब्लिक। वेट, इसका मेरे पास एक मस्त जुगाड़ है ना, ये बॉम्ब कब काम आएंगे। लेट्स गो, मैं फटाफट से ना इस वाले गेट के ऊपर ये बॉम्ब आराम से लगा देता हूँ और अभी जल्दी से चल के ना अपनी बाइक में बैठते हैं पीछे और थोड़ा सा बैक साइड पे चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी भाई मरने का शौक नहीं है। आराम से अपनी बाइक में यहाँ पर खड़ी करता हूँ ताकि बाइक को भी कोई डैमेज ना पहुँचे। कवर ले लेते हैं और जल्दी से इस माइन शाफ्ट के गेट को ब्लास्ट कर देते हैं। लेट्स गो, गेट ओपन हो चुका है। भाई अंदर सही में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पता नहीं अंदर कुछ बंदे हैं या फिर नहीं। फिलहाल अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट वेट, बाइक की हेडलाइट ऑन कर लेते हैं, अब मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और बाइक का जो साउंड है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। हेलो, कोई है बेटा, कोई है तो बता दो, सीधा मुँह पर ही बॉम्ब फेंक के मारूंगा वरना। फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर गोल्ड ढूंढना है क्योंकि डगन बॉस ने कहा है इस माइन शाफ्ट के थ्रू उसके पास सारा गोल्ड आता है। यहाँ पर अभी दो रास्ते हैं, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है। पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले रास्ते पे चलते हैं क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिर ये दोनों ही रास्ते कहाँ पर जाने वाले हैं। बट हाँ, लेफ्ट वाले रास्ते का रेल ट्रैक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर ठीक हो गया। ये कितनी ज़्यादा बड़ी टनल बनाई हुई है, ख़त्म होने का ओ हेडलाइट कैसे बंद हुई? यहाँ कोई भाई बुरी आत्मा का साया तो नहीं है? अपने आप ही हेडलाइट बंद होगी। बट ठीक है, मैंने वापस ऑन कर लिया है, जैसे ही मैं आ गया अपने आप हेडलाइट बंद हो गई थी। फिलहाल अभी मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है। वेट वेट वेट, यहाँ पर अपनी एक रास्ता सामने जा रहा है, एक रास्ता राइट में जा रहा है, इससे पहले भी एक रास्ता राइट में गया था। यहाँ पर तो एक, मैं अपनी बाइक आगे नहीं ले जा पाऊँगा। वेट, अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करते हैं, उतर के एक बारी चल। वेट वेट, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है। गाइस वेट, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे अंदर कोई ना कोई तो है। ये जो गली गई हुई है ना, यहाँ से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। फिलहाल सबसे पहले मैं एक टॉर्च निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस वाले रास्ते पे जाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल हाँ, यहाँ से आवाज़ आ रही है, पहले अंदर चल के देखते हैं। हल्की फुल्की हवा की आवाज़ भी यार इधर बहुत तेज़ आ रही है। वैसे अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है। बाकी एक बारी आप लोग इधर देखो कितना ज़्यादा पुराना सामान रखा हुआ है। पक्का ये जो माइन शाफ्ट है, ये जो टनल है, ये हजारों साल पुरानी है। वैसे सामने ओ वेट, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये नॉर्मल वर्कर्स हैं जो कि बेचारे अपना काम पे लगे हुए हैं इस माइन शाफ्ट को और भी ज़्यादा खोदने में और गोल्ड माइन करने में। भाई भाई भाई, वेट वेट, मुझे इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पता चला अभी तो शायद इन्होंने मेरे को देखा ही नहीं है, अभी उन्होंने अपना काम में बिजी है। पता चला अगर देख ले तो फिर ये लोग मेरे को पकड़ के पीटने लग जाएं। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास वेपन्स है, उनके पास वेपन्स नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है। फिलहाल अभी जल्दी से अपनी बाइक लेकर अंदर चलते हैं। और ओ तेरी, वेट, ये देखो गाइस हमें क्या मिला, यहाँ पर है असली खजाना। आगे एक गेट है जहाँ से ये सामान आ रहा है और ये सारे के सारे गोल्ड ओर हैं जो कि इसके ऊपर लोड होकर आ रहे हैं। मीन्स ये सारा का सारा रो गोल्ड है और ये यहाँ से पहले जाएगा, इसमें से पूरा रिफाइन किया जाएगा इसे, फिर इसे मेल्ट करके इसके गोल्ड बार बनाए जाएंगे। यानी कि डगन बॉस सही बोल रहा है, अपने को बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ अभी मिल चुकी है। लाइट जलाओ भाई बाइक की, अभी बाइक मोड़ते हैं, सीधा चलते हैं लेस्टर के पास। हम लोग अभी इनको कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि ये तो यहाँ के वर्कर्स हैं। ये पूरी की पूरी टनल, पूरी माइन शाफ्ट डगन बॉस की थी,
जिसको अब हम लोग कब जाने वाले हैं। लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी था ना भाई, मैं नहीं जाने वाला अभी किसी दूसरे रास्ते पे, क्योंकि हो सकता है अंदर डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हों जो कि मुझे पकड़ ले। वैसे भी जगह काफी ज्यादा हॉरर सी है, पता नहीं मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप कैसे बंद हुई, वो भी दो बारी, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला। फिलहाल किसी एक और बंदे को अपने साथ लेकर आएंगे अपनी सेफ्टी के लिए, तगड़े वेपन्स के साथ आएंगे, तब दूसरे वाले रास्ते पे भी अंदर जाकर देखेंगे, क्या पता वहाँ पर कोई बहुत बड़ा गोल्ड का पूरा वेयर हाउस निकल आए, या फिर बहुत सारा गोल्ड डगन बॉस ने वहाँ पर स्टोर कर रखा हो। बट हाँ, अभी अपने को इतना तो पता चल चुका है गोल्ड यहाँ पर माइन हो रहा है और माइन शाफ्ट भी है। लेट्स गो गाइस, अभी तो अपनी फुल मौज होने वाली है क्योंकि इस माइन शाफ्ट के ओनर अब हम बनने वाले हैं और हमारे पास होने वाला है अनलिमिटेड गोल्ड, और अनलिमिटेड गोल्ड का मतलब है अनलिमिटेड पैसा। एक सेकेंड, ये बिग माफिया का भाई को कॉल कर रहा है यार। वेट, मैं अपनी गाड़ी ना पहले साइड में लगाता हूँ। ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे, वो भी इतने टाइम बाद, इसको क्या काम पड़ गया। वेट, इससे बात कर लेते हैं पहले। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और मुझे ना सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है इसने अभी, क्योंकि इसने मुझे एक बंदे की फोटो भेजी है और ये कह रहा है कि हमें ना कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इस बंदे को मारना होगा, अदरवाइज हम लोग बस कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और आप लोग उस बंदे की फोटो देख के हैरान हो जाओगे, शायद से आप लोगों ने इसको पहचान ही लिया होगा, इसको भूलोगे कैसे। इसी बंदे ने डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करवाया, डगन बॉस को पकड़वाया और अभी हमें हमारी मुंह मांगी रकम भी देने वाला है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिग माफिया का भाई क्यों इसे मरवाना चाहता है। तो पहली चीज़ ये, जो पैसे हमें ये देने वाला है ना, ये खुद बिग माफिया के भाई से फ्रॉड करके लाया है और बिग माफिया के भाई को पता नहीं है कि डायमंड कैसीनो इसने ब्लास्ट नहीं करा, हमसे ही ब्लास्ट करवाया और डगन बॉस को भी पकड़ने वाले हम ही हैं। बिग माफिया के भाई को लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ गया है जो उससे भी ऊपर है। बट हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर हमने डगन बॉस को इसके हाथों मरवा दिया ना, तो डगन बॉस की पूरी आर्मी इसकी आर्मी बन जाएगी और हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। खैर, इस बंदे ने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं करा तो हम क्यों प्रॉब्लम में फंसेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। ये बंदा हमारे हमें पैसे देगा और काम खत्म। फिलहाल अभी जल्दी से लेस्टर के पास चलते हैं, वही बताने वाला है कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, बिग माफिया भी जो टिप देता है वो मैक्सिमम टाइम सही होती है, उसने इसे मारने के लिए बोला है तो शायद मारना ही इसको बेटर रहेगा। बट अंदर चलते हैं पहले, और बाइक भी अंदर जा सकते हैं, मुझे बाइक बाहर खड़ी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो, ये आ गई बाइक, अंदर खुल जा भाई। पता नहीं यार अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि आखिर हम लोग उस बंदे को कैसे मार सकते हैं जिस बंदे से हमें ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। फिलहाल अभी मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस में। बट वेट, मुझे डगन बॉस यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ और लोग भी। ओ तेरी भाई साहब, लेस्टर ने उसको सामने उस वाले पिलर में बांध दे दिया एक रस्सी से और अब ये बेचारा कहीं पर भी भाग के नहीं जा पाएगा। बट हाँ यार, ये मुझे अभी लेस्टर से बात करनी चाहिए कि फ्रैंकलिन यहाँ पर क्या कर रहा है। लास्ट टाइम तो हमने इसको उस वेयर हाउस में बंद कर दिया था ना मारपीट के, मैं लेस्टर से ही पूछ लेता हूँ। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने लेस्टर से फ्रैंकलिन को लेकर बात कर लिया है और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रैंकलिन हमारे साथ ही है, हमारे लिए काम करेगा। बाकी हाँ, मैंने इसको बिग माफिया के भाई वाली बात बता दी कि वो जो बंदा है जिससे आज हमें पैसे लेने जाने हैं उस बंदे को हमें मारना पड़ेगा, ऐसा बिग माफिया का भाई कह रहा है। और लेस्टर ने जो प्लान दिया है ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मीन्स हम लोग उसको मारेंगे तो, बट अपने हाथों से नहीं, डगन बॉस के हाथों से। तो लेस्टर का जो प्लान है वो कुछ इस टाइप का है कि जब हम लोग डगन बॉस को उसके हवाले करने जाएंगे तब हम लोग डगन बॉस की जैकेट में एक बॉम्ब फिट कर देंगे और फिर उस बंदे से अपने पैसे लेकर वापस आ जाएंगे और साथ ही डगन बॉस की जैकेट में लगा बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, जिससे डगन बॉस तो मारा ही जाएगा और साथ ही साथ वो खुद मारा जाएगा प्लस उसकी सारी सिक्योरिटी भी मारी जाएगी। लेकिन लेस्टर कह रहा है कि ये सब काम करने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा, लेकिन उसने हमें आज रात 8 बजे ही मिलने के लिए बुलाया है, तो भी फटाफट से ना एक बारी मैं उसे कॉल करके बोलता हूँ कि हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। बट कहीं ऐसा ना हो कि इस कॉल के बाद उससे हमारे ऊपर डाउट हो जाए, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, फिर भी एक बारी कॉल करके ट्राई करते हैं, क्या पता वो हमारी बात मान ले। गाइस, अभी ना मेरी उससे कॉल पे बात हो चुकी है और मुझे लग रहा था कि वो हमारे ऊपर शक करेगा या फिर मना करेगा कल सुबह आने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आज रात 8 बजे का टाइम हमें दे चुका है। लेकिन वो तो कह रहा है कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम अगर आज रात को नहीं आ सकते तो कल सुबह आ जाना, बट
उसने एक वार्निंग दी है कि जब हम लोग उससे मिलने जाएंगे तो हमारे पास कोई वेपन नहीं होना चाहिए, और खैर वेपन हमें लेकर भी क्यों जाने हैं। खैर ये है कि डगन बोस को सही सलामत जिंदा उस तक पहुंचाने के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ सकती है, बट अगर सब कुछ एकदम सीक्रेटली हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिलहाल लेस्टर को बोल देता हूँ सब कुछ एकदम डन है, अब बस इस प्लान के लिए मीन्स इसकी जैकेट में बॉम्ब लगाने के लिए और उसको एकदम सेफली उस तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। ओके गाइस, तो लेस्टर कह रहा है कि प्लान काफी ज्यादा सिंपल है, डगन बोस को सही सलामत उस बंदे तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी गाड़ी की जरूरत है जो गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ हो, ताकि बीच रास्ते में हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी से छोटी मोटी फाइट हो जाए तो उस फाइट में डगन बोस को कुछ भी ना हो। तो गाइस अभी ना लेस्टर ने हमारे लिए एक बढ़िया से टो ट्रक का जुगाड़ कर दिया है, जिसको लेकर मैं जाने वाला हूं यहां से सीधा स्क्रैप यार्ड पे, और वहां से एक पुरानी खट्टारा कार लेकर आएंगे और वो देकर आएंगे हम लोग बैनी को, ताकि वो उसकी बढ़िया से मॉडिफिकेशन करे और उसकी मॉडिफिकेशन हम लोग उसी हिसाब से करवाएंगे जिस हिसाब की कार हमें चाहिए, वही आर्मर वाली ब्लैक विंडो। फिलहाल फ्रैंकलिन भी गाड़ी में आकर बैठ चुका है और फ्रैंकलिन को इसीलिए बुलाया ताकि ये छोटे मोटे कामों में हमारी हेल्प करवा दे, और मेन डे मीन्स कल के दिन ये हमारे साथ जाने वाला है उस जगह पे। मीन्स लेस्टर हमारे साथ नहीं जाएगा, लेस्टर यहाँ से बैठ के पूरा चेक करेगा कि कहीं वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, और हर एक चीज़ का काम लेस्टर अपने लैपटॉप से संभालता है। तो फ्रैंकलिन और मैं हम दोनों जाएंगे डगन बोस को उस जगह पे छोड़ने और सारे के सारे पैसे वहाँ से लेकर वापस आएंगे। लेट्स गो। फिलहाल इसकी स्पीड, अरे 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 आराम से भाई, हेलो, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा, अभी भिड़ जाता सामने जाके। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर लॉस सैंटोस के एक लौते स्क्रैप यार्ड पर पहुंचने वाला हूं। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है ये मारी ड्रिफ्ट टो ट्रक से, और ये हम लोग आ गए स्क्रैप यार्ड पे। वेट, मैं ये स्क्रैप यार्ड नहीं, मैं ये गलती से कूड़ा यार्ड पे आ चुका हूँ, बट हाँ यहाँ से पीछे से एक रास्ता और जाता है, वो है सामने वाला स्क्रैप यार्ड। मीन्स इस वाली जो नाला जा रहा है इसके बाद मुझे कट लेना था। लेट्स गो। ये खैर है तो काफ़ी ज़्यादा छोटा, लेकिन पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का कबाड़ यहीं पर आकर इकट्ठा होता है। हमें यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ मिल सकती है। उतरी भाई, ये कार किसकी खड़ी है? फुल माफिया कार खड़ी कर रखी है भाई किसी ने यहाँ पर। खैर अभी मुझे एक गाड़ी का इंतज़ाम करना है जो बस देखने में पावरफुल सी हो और अपने काम आ जाए। बाकी तो मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ से एक गाड़ी लेकर गया था, और ये ब्लैक वाली कार कौन सी है यार? ये पीछे भी खड़ी हुई थी, यहाँ पर भी खड़ी हुई है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं थोड़ा सा एक बारी आगे चल के देखता हूँ, क्या पता यहाँ पर कोई ना कोई बढ़िया सी गाड़ी खड़ी हो जो कि अपने काम आ जाए। और मैं इतनी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, यहाँ एक नीले कलर की घटिया सी वैन खड़ी है जिसको देख के मेरा मन भर गया। फिलहाल अभी पूरा का पूरा स्क्रैप यार्ड में चेक कर चुका हूँ, घटिया घटिया टूटी फूटी गाड़ी मुझे बस इधर नजर आ रही है। एक बारी ना ये सामने वाली साइड मैंने अभी तक चेक नहीं करी है, जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ पर लेकर चलता हूँ। और वेट, यहाँ पर तो उतरी भाई, ये कौन सी सुपर कार इधर आई हुई है? एक सेकेंड, ये मुझे पता नहीं कि ये फरारी है भाई साहब, पता नहीं किसकी फरारी है, पूरी ब्लास्ट हो गई होगी शायद किसी एक्सीडेंट में, और ये अभी स्क्रैप यार्ड में आ चुकी है। बाकी इस तरफ में लेट्स गो। तो जिस चीज़ का भी हमें इंतज़ार था वो हमें मिल चुकी है, शायद से इससे अपना काम हो जाएगा। बट हाँ ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, बट हाँ बैनी किस काम आएगा फिर? बैनी इस गाड़ी को अच्छे से मॉडिफाई कर देगा। खैर ये गाड़ी बिल्कुल ही चूरा हो रखी है, लेकिन कोई नहीं यार, अभी अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जल्दी से इस गाड़ी को उठाते हैं और अपने टो ट्रक में लोड कराकर यहाँ से लेकर चलते हैं। मुझे इसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अरे कोई, ये इनके लिए कौन सा कबाड़ है भाई, इनके लिए फ्री है। लेट्स गो, इसको उठा लेते हैं अभी जल्दी से। ओके, अपना टो ट्रक का जो है फाइनली जाकर उससे कनेक्ट हो गया, और ये गाड़ी अब हमने हिच कर लिया है। जल्दी से इसको मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, बट हाँ बाहर निकालने से पहले मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लेता हूँ ताकि ये पूरे में स्क्रैच ना छोड़ती जाए। और वेट, मुझे अपने टो ट्रक को ना यहीं से मोड़ना था। मैं एक काम करता हूँ भाई, उससे पेमेंट कर ही आता हूँ, पता चला वो मेरे को चोर समझ के गोलियाँ बरसा दे मेरे पे, क्योंकि वैसे भी मेरे लड़ाई करने का मन नहीं है। जल्दी से मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, फिर तेरी भैंस की टांग में पैसे देने आया था, भागो भाई। ये बंदे अलग ही सनकी से हैं, लग रहा अभी मार पीट देंगे भाई। क्या है ये, मैं कुछ कहा भी नहीं सीधा मारने लग गए दो मिनट में। लेट्स गो, फ्रैंकलिन बैठ गया ना, चल भाई ठीक है, मैं फ्री में ही ले जा रहा हूँ, मैं अच्छा खासा पैसे देने गया था, लड़ रहे हैं। ओके फाइनली जैसे तैसे करके मैंने अपने टो ट्रक को यहाँ से मोड़ के इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाल लिया। सामने की तरफ में एक बंदा और खड़ा हुआ, भाई मारियो मत, मैं पैसे देने जा रहा था, तुम्हारे बंदों ने मना कर दिया कि ले जाओ फ्री में ले जाओ, पैसे हमें चाहिए ही नहीं।
लेट्स गो। फिलहाल अभी हमें यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना, बैनी का जो गैराज है वो भी काफ़ी ज़्यादा पास में ही है, तो जल्दी से चल के इस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो चलो गाइस, फाइनली मैं इस गाड़ी को लेकर बैनी के गैराज में पहुँचने वाला हूँ। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये गाड़ी कौन सी है, देखने में रेंज रोवर जैसी लग रही है बट हाँ काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी सी है ना, इसलिए सही से समझ नहीं आ रही। और लेट्स गो, हम लोग बैनी के गैराज पे पहुंच गए और बैनी ऑलरेडी हमारा यहाँ पर वेट कर रहा है क्योंकि मैंने उसे कॉल करके बता दिया था मैं आने वाला हूँ। और एक गाड़ी हमें फटाफट से पूरी मॉडिफिकेशन करके एकदम नई जैसी चाहिए और पूरी बुलेट प्रूफ चाहिए। खैर अभी गाड़ी हमने यहाँ पर पहुँचा दिया, बाकी आगे काम बैनी कर देगा। मुझे भी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए और निकलने के लिए मैं वाली गाड़ी में बैठता हूँ। और खैर अभी हम लोग कहीं और नहीं जाने वाले, हम लोग जाने वाले हैं लेस्टर की हैकर फ्रेंड के पास क्योंकि उससे हमें लेनी है बुलेट प्रूफ जैकेट। जो जैकेट हम लोग पहनाने वाले हैं डगन बॉस को, वो भी उसकी जैकेट के अंदर, ताकि किसी को देख के भी ना पता चले कि हम लोगों ने इसे एक बॉम्ब पहना रखा है जो बॉम्ब पूरी गदर तबाही कर सकता है। खैर अभी ज़्यादा बातें नहीं कर रही और मैं थोड़ा सा बातों में गलत जा रहा हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पर लेस्टर की फ्रेंड का बेस है। ओके गाइस, तो ये हम लोग पहुँचने वाले हैं लेस्टर की हैकर फ्रेंड के सीक्रेट बेस पे। बस मुझे आगे से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है बट हाँ मैं थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि इधर काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक है बट हाँ मुझे इतना पता है उसका जो बेस एक्चुअली उसका कोई सीक्रेट बेस नहीं है, वो एक ट्रेलर में रहती है और हम उसके ट्रेलर में ऑलरेडी एक दो बारी पहले आए हुए हैं। और फाइनली मुझे वो जगह मिल गई। लेट्स गो, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर यहीं पर चलते हैं और फटाफट से मैं इसको साइड में पार्क कर देता हूँ। और ये गलती से थोड़ा मैंने, ठीक है अभी फ्रैंकलिन को यहीं पर गाड़ी में बैठे रहने देते हैं और मैं जल्दी से अंदर जाके जैकेट बाहर ले आता हूं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं इस ट्रेलर के अंदर आ चुका हूं। बाकी आप लोग एक बार इस जगह को ध्यान से देखो कि लेस्टर की वो हैकर फ्रेंड ने इस जगह को कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से बना रखा है, कार रिपेयरिंग से लेकर वेपन क्राफ्टिंग तक सब कुछ वो यहीं पर करती है, प्लस हैकिंग वगैरह और रहना वहना भी शायद से इसी ट्रक के अंदर है उसका। ये घड़ी यहाँ पर, और वेट, ये जो पीछे पड़ा हुआ था, ओ तेरी, यही है गाइस वो बॉम्ब जैकेट जो कि लेस्टर ने इससे बनवाई है। लेट्स गो, अभी शायद मुझे इससे छेड़ाना नहीं चाहिए, इसी को मैं बोलता हूँ कि ये हमें पैक करके दे क्योंकि ऐसे खुली पहन के थोड़ी जाएंगे यार, इसको एक बार लॉक हो गई तो उतरेगी नहीं बिना बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल उससे बात हो चुकी है और इस टाइम वो चली गई है बॉम्ब का फाइनल सेटअप करने के लिए, मीन्स बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कि आखिर वो जो बॉम्ब है वो कितने बजे ब्लास्ट होने वाला है। फिलहाल आप लोग एक बार इसका ये वाला रूम देखो, कितना ज़्यादा डेंजरस सा है यार, मतलब चारों तरफ अलग अलग स्क्रीन लगी हुई है, कॉन्सोल्स लगे हुए हैं पता नहीं किस चीज़ के। बाकी हाँ मैंने उसको बोल दिया कि ये जो टाइम है ये 10 बजे का होना चाहिए क्योंकि उस बंदे ने हमें 8 बजे मिलने के लिए बुलाया और 8 बजे अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो 9 बजे तक उसके पास पहुँचेंगे, प्लस हमें वहाँ से वापस भी आ जाना है क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हम लोग भी वहीं पर हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि बॉम्ब एक बार एक्टिवेट होने के बाद दोबारा डीएक्टिवेट नहीं होने वाला और ना ही इसको कोई डिफ्यूज़ कर सकता है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल अपना सारा काम हो चुका है, इसने हमें वो बॉम्ब वाली जैकेट इस ब्रीफ केस में पैक करके दे दिया है, अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ ट्रेलर से बट एक सेकेंड, जब मैं अंदर गया था तो बहुत तेज़ धूप निकल रही थी और अभी ये आधे घंटे में मौसम को क्या हो गया पता नहीं। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि जैकेट हमें मिल चुकी है, गाड़ी का भी इंतज़ाम अपने पास मस्त वाला हो चुका है, अब बस ये जैकेट हमें ले जाकर डगन बॉस को पहनानी है और फिर आने वाला है असली मज़ा क्योंकि कल हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, मतलब इतने पैसे कि हम लोग सारी गाड़ी खरीद सकते हैं, लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा घर, क्या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं। फिलहाल ना अभी बड़े सपने बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी जल्दी से पहुंचते हैं लेस्टर के पास क्योंकि मैं नहीं चाहता ये प्लान कुछ भी करके फेल हो। जिस रस्तों से आए हैं उसी रस्तों से मैं वापस जाने वाला हूं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं और सेफ हैं बट हाँ ड्राइविंग अच्छे से करनी पड़ेगी, सामने से बहुत तेज़ ट्रेन आ रही है, पता चला इसी में भी बैठ जाते। लेट्स गो, अभी रास्ता क्लियर है भाई, बहुत ख़राब मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बस अब थोड़ी देर में ही बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी देर में लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है और ये देख लो भाई क्या हाल हो चुका है यहाँ का। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुँचते हैं लेस्टर के पास और भाई बारिश ऐसी हो रही है कि अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई तो फिर ये स्लिप होगी और मैं कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा बुरी तरह ठुकने वाला हूँ और ऑलरेडी मैं एक जगह ठुक चुका हूँ, पीछे वाली हेडलाइट ही आपको बता रही होगी गाड़ी की। बाकी ठीक है यार, लेट्स गो, अभी मेरे को अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ना है और वेट, मैं शायद थोड़ा सा गलत नहीं आया हूँ, मैं आया सही हूँ, मैं आजकल ना पतली गलियों में गाड़ी चलाने की आदत ज़्यादा पड़ गई है ये छुपने के चक्कर में, बड़ा
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा लेस्टर के पास। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं, उतरते हैं और चलते हैं ये जो ब्रीफ केस है इसको लेकर लेस्टर के पास। अभी सच्ची में इस ब्रीफ केस में ही अपनी पूरी जान बची है, मतलब ये ब्रीफ केस अपने सारे काम करा सकता है। डगन बॉस को भी मार सकता है और साथ ही अपने दूसरे दुश्मन को भी खत्म कर सकता है। बहुत वैसे वो दुश्मन नहीं है, वो दोस्त ही है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल ये जो ब्रीफ केस है मैंने इस टेबल पे रख दिया है और डगन बॉस को प्यास लग रही थी इसीलिए लेस्टर ने उसको एक ड्रिंक पीने के लिए दिया है, लेकिन उसने इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसको पीने के बाद डगन बॉस बेहोश हो जाएगा और हम लोग उसको ये जैकेट पहना डालेंगे। फिलहाल डगन बॉस यहाँ पर बेहोश हो गया है और फ्रैंकलिन ने इसका वीडियो भी बना लिया है। भाई इसका तो हमने अभी गलत ही सीन कर डाला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अभी जो ब्रीफ केस में जैकेट है हम डगन बॉस के पहना देंगे, बॉम्ब प्लांट हो जाएगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। इसने भी ट्रैवर बोला ना, एक सेकेंड, मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे इसने भाई अभी ट्रैवर बोला ये वहां पर जाकर किसी से कॉल पे तो बात कर रहा है। मुझे ना गाइस अभी इसका सीन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। फिलहाल लेस्टर भी वहां पर गया और लेस्टर ने उसके रख के बेसबॉल बैट बजा दिया है। अभी यार लेस्टर ने मारा कि भाई साहब लेस्टर ने फ्रैंकलिन का तो पूरा सर फाड़ दिया, बट ऐसा उसने क्यों करा मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार फ्रैंकलिन को तो हमने यहाँ पर अपने काम के लिए बुलाया था ना, क्योंकि कल के दिन वो हमारे साथ जाने वाला था डगन बॉस को लेकर उस बंदे के पास। गाइस अभी ना मुझे चल के लेस्टर से ही बात करनी होगी कि आखिरकार इसने फ्रैंकलिन को क्यों मारा, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। भाई उस बंदे को बुलाया है अपने काम के लिए, फिलहाल अभी इसने पता नहीं किसी को फोन लगा दिया है। खैर हाँ, अभी सबसे पहले तो हमें डगन बॉस को जैकेट पहनानी है, बट हाँ उससे पहले मैं इससे बात पूछने वाला हूँ आखिर सीन क्या है। गाइस लेस्टर कह रहा है कि इसने फ्रैंकलिन को इसलिए मारा है क्योंकि फ्रैंकलिन ने अपना सारा का सारा प्लान खराब कर दिया है। मीन्स जब हम लोगों ने डगन बॉस को बेहोश करा था तो उसने इसकी वीडियो बना ली, प्लस वहां पे जाके ट्रेवर को कॉल कर दिया कि डगन बॉस हमारे पास है। और आप लोग को तो मालूम ही है ना कि इस टाइम ट्रेवर हमारे लिए नहीं डगन बॉस के लिए काम कर रहा है। तो लेस्टर बस यही कह रहा है कि अगर ट्रेवर को पता चल गया हम लोग इस बेस में बैठे हुए हैं तो वो अपनी पूरी फोर्स लेकर, खैर पूरी फोर्स नहीं, ट्रेवर तो ऐसा बंदा है वो अकेला ही आ जाएगा, वो यहाँ पर आएगा और हमें मार पीट के डगन बॉस को छुड़ा कर ले जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी लेस्टर ने मुझे बोला है कि तुम यहाँ से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी जल्दी उसे नहीं पता चलने वाला क्योंकि फ्रैंकलिन शायद उसे पूरी बात नहीं बता पाया है। क्योंकि लेस्टर को जैसे ही पता चला था ट्रैवर को कॉल करने गया, लेस्टर भागता हुआ गया, उसके मुंह पे बेसबॉल बैट उसने बजा दिया। फिलहाल अभी मैं गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ अपने घर पे। लेस्टर ने बोला कि तुम अपने घर पे जाके रेस्ट करो, अपने कपड़े वेट आराम से भाई साहब एक सेकेंड, ये गाड़ी को क्या हो गया भाई, हेलो इतनी फिसल कैसे रही है गाड़ी इतनी ज्यादा। वेट यार एक बारी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, बता नहीं यार इस गाड़ी के टायर इतने ज्यादा स्लाइडी क्यों हो रहे हैं भाई। लेट्स गो, फिलहाल अभी गाड़ी मैंने मोड़ दिए और आप लोगों ने देख लिया होगा भाई इतने से मेरी गाड़ी पूरी 180 ड्रिफ्ट मार गई। बाकी हाँ मुझे मालूम है कि इस टाइम पे रोड पूरे भीग रखे हैं इसलिए स्लाइड हो रहे हैं टायर्स, लेकिन इस गाड़ी के कुछ ज़्यादा ही स्लाइड हो रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ भी तो चल रही यार, उनके तो नहीं हो रहे इतने ज़्यादा स्लाइड। लेट्स गो, फिलहाल अभी लेस्टर ने मुझे बोला है कि यहाँ से मुझे सीधा अपने घर जाना है और कल सुबह 6:30 बजे करेक्ट लेस्टर के पास पहुँचना है वो गाड़ी लेके जो कि हमने बैनी को मॉडिफाई करने के लिए दी थी। पूरी बुलेट प्रूफ उसने वो गाड़ी बना दी होगी और उसी गाड़ी में हम लोग बैठा के डगन बॉस को लेकर जाने वाले हैं। साथ ही डगन बॉस को वो जो जैकेट है वो लेस्टर पहना देगा और फ्रैंकलिन के लिए डॉक्टर का भी इंतज़ाम कर देगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते यार बेचारा फ्रैंकलिन को कुछ ज़्यादा हो जाए। बाकी यार उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार वो डगन बॉस के लिए काम क्यों कर रहा है। खैर ठीक है, अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं अंदर। बहुत तेज बारिश हो रही है भाई आज के दिन, पता नहीं क्या ही कौन से बादल आ गए हैं लॉस सैंटोस पे, कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी कल तक एकदम मस्त धूप निकली हुई थी और आज तो भाई साहब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिलहाल अभी जल्दी से चल के कपड़े बदलते हैं, बढ़िया से कपड़े पहनते हैं कुछ। वैसे अभी कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, जाना तो हमें कल सुबह है ना, तो कल सुबह ही कपड़े बदलेंगे। फिलहाल अभी जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, जल्दी से चल के कपड़े बदलते हैं। और लेस्टर ने मुझे बोला था कि मुझे आर्मर भी पहनना है अपने साथ, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वहां हमारे को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने ये आउटफिट पहन लिया है और इस पे वाले ग्लासेस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना भाई। बिल्कुल ना थोड़ी कुछ ज्यादा ही जेंटलमैन वाली लुक आ रही है माइकल की। लेट्स गो, अभी जल्दी से मैं आ चुका हूँ नीचे। बैनी को मैंने फोन करके बोला था कि वो 6:30 बजे मेरे घर पे पहुंचे। ओ तेरी भाई साहब, ये गाड़ी लेकर तो आ चुका है
पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से एंट्री नहीं करवाई इसने, पूरी क्या ड्रिफ्ट मारी है। और गाड़ी देखो भाई, इस बंदे ने एक नंबर मॉडिफाई करी है, यही चीज मेरे को चाहिए थी। लेट्स गो। तो चल भाई बहनी, भारा फटाफट से गाड़ी भी लगे हाथ टेस्ट कर ली जाए, क्योंकि भाई हम लोग इसके अंदर डगन बॉस को लेकर जाने वाले हैं, तो इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे देख के ही पता चल रहा है यार, गाड़ी फुली आर्मर्ड है। हम लोगों ने इसको कार कैसी ले जाकर दी थी और इसने कार को कितना ज़्यादा तगड़ा मॉडिफाई कर दिया है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये जो टायर है ना, ये भी इसने बुलेट प्रूफ बना दिए हैं। ओ लेट्स गो। तो ये गाड़ी के टायर भी बुलेट प्रूफ है, यानी अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे एक दिक्कत आ जाएगी अगर मैं इन वेपन्स को लेकर वहाँ चले जाऊँगा। फिलहाल अभी जल्दी से घर में चलता हूँ और मुझे अपने वेपन्स रख कर आने हैं, और फिर चलते हैं सीधा लेस्टर के पास, क्योंकि उस वहीं से डगन बॉस हमारी गाड़ी में आके बैठेगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने अपने सारे के सारे वेपन्स निकाल दिए हैं। वैसे निकाले नहीं है, निकाले पड़ रहे हैं, बट क्या ही करे, उस बंदे ने हमें बोला है कि हमें वहाँ पर बिना किसी वेपन के आना है। लेट्स गो, फिलहाल जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, बेनी अपना खुद घर चले जाएगा। अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। उतरी भाई, ये गाड़ी सच्ची में बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी है, ऐसा देखने में लग रहा है। मतलब ऐसी फील आ रही है कि अगर मैंने इस गाड़ी से ले जाकर किसी के टक्कर मार देना तो उसकी कार तो भाई सही में बहुत बुरी तरह पलट ही जाएगी, क्योंकि अपनी गाड़ी कोई अब छोटी मोटी कार नहीं है, फुली आर्मर्ड है, फुली आर्मर्ड कार है। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं लेस्टर के पास। ओके गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं जहां से मुझे डगन बॉस को अपनी गाड़ी में पिक करना है और इसको लेकर जाना है उस आइलैंड के लिए। चल भाई जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ, लेस्टर ने भी इसकी बैंड बजा रखी है। फिलहाल हाँ, लेस्टर अभी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो यहाँ से बैठ के हमें पूरी कमांड देगा कि कब हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। वैसे भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्ब लेस्टर ने इसकी जैकेट में लगा दिया है, हमें बस वहाँ से पैसे लेने हैं और निकलने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट कर देना है। लेट्स गो। वैसे गाइस, अभी जिस जगह पे मैं डगन बॉस को लेकर जा रहा हूँ ना, वो जगह सच्ची में बहुत ज्यादा दूर है। आप लोग ये लगा लो कि अभी मैं डेजर्ट तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आधा ही रास्ता कवर हुआ है। अभी भी मतलब 70% रास्ता बचा हुआ है जो कि मुझे कवर करना है। फिलहाल हाँ, अभी जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि गाड़ी में पीछे बैठे बंदे की जैकेट में लगा हुआ बॉम्ब, अगर बाय चांस मैं लेट होता हूँ तो करेक्ट 10 बजे ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। इसकी मैं इसकी गोली किसने, वेट, ये ट्रैवर है क्या भाई साहब? इसको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली यार? ये फ्रैंकलिन की वजह से हुआ है सब कुछ, उसी ने कल इसको कॉल करके बताया था और ट्रैवर ने हमें ढूंढ निकाला। मुझे भी जल्दी से जल्दी ना लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। ड्राइवर हाथ धो के हमारे पीछे पड़ चुका है, उसको लग रहा है मैं सामने चला, नहीं उसको अच्छे से मालूम है कि मैंने अपनी गाड़ी राइट मोड़ी है। वेट, मुझे ना अभी जल्दी से जल्दी करके ना कहीं तो छुपना पड़ेगा, वरना ट्रैवर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस अभी ना सही में बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो गया, और ये ओ तेरी, ये बाइक लेकर मेरे पीछे ही आ गया। वेट 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 वेट, मुझे लग रहा था कि इसकी गाड़ी कहीं ना कहीं तो अलग रह गई है। अभी ना मेरे को मन तो कर रहा है कि टक्कर मार के ना इसको मैं अपनी बाइक से गिरा दूँ, इधर तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन हाँ, उस टक्कर के चक्कर में ये कहीं डगन बॉस को ना मार डाले गलती से। गाड़ी में काले शीशे लगे हुए हैं, इसको समझ नहीं आ रहा आगे कौन बैठा है पीछे कौन बैठा है। हमें डगन बॉस को सही सलामत उस तक पहुँचाना है। भाई 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 वेट, इसको वैसे मालूम तो होगा ही डगन बॉस को लेकर जा रहे हैं हम लोग। बाकी हाँ, मुझे भी जल्दी से ना अपने आप को और अपनी गाड़ी को एक सेफ लोकेशन पर पहुंचाना है जहां पर ट्रैवर ना आ पाए। मुझे उसकी गाड़ी सामने तो नज़र आ रही है। भाई भाई भाई, वो बहुत तेज चला रहा है अपनी बाइक, और वो कुछ सेकंड में यहां पर पहुंचता, छोड़ो भाई पहुंच भी गया, मेरे बोलने से पहले आ जा रहा है। इधर आ तेरी ऐसी की तैसी। वेट, अब इसके बहुत तगड़ी टक्कर मारने वाला हूँ मैं इसकी बाइक पे। ऐसी टक्कर मारूंगा कि बाइक समेत ही सीधा नीचे गिरने वाला है। अभी रुक जाओ, आगे से मारी अपनी गाड़ी को यू टर्न। कहाँ चला गए? आ जाओ, 3, 2, 1 लेट्स गो। अबे यार, इसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, मेरी गाड़ी पीछे अटक गई। वेट यार वेट, ये मरेगा नहीं, उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार के जाएगा। अपने पास कोई भी गन नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो सकता है। अपनी गाड़ी जैसे जैसे करके मैंने वहाँ से निकाल लिया है, किसी सेफ किसी सीक्रेट लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर ये बिल्कुल भी ना आ पाए। वैसे गाइस अभी ना अच्छी बात तो ये है कि ये एक बहुत ही बढ़िया SUV है जो कि अच्छे से ऑफ रोड वाले एरिया पे भी चल पा रही है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ट्रैवर अभी भी मेरे पीछे आ गया है। गाड़ी पलट गई और ट्रैवर अपनी गाड़ी लेकर सामने से आ रहा है। मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा, उसकी बाइक मैंने आते हुए देख ली है। खैर ठीक है, यहाँ पर भी ट्रैवर गायब हो गया, ट्रैवर पीछे रह गया। मैं अभी ना थोड़ी देर यहीं पर छुप जाता हूँ। गाड़ी, ओ वेट,
उसने मुझे देख लिया शायद से। वेट, ओ यार वो यहाँ पर भी अपनी बाइक लेकर आ गया। भाई भागो, इसने मुझे बहुत ही गलत वाला फंसा लिया इस जगह पे। एक तो ये जगह भी ऐसी है ना, मैं छुप तो सकता हूँ इससे, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए यार। मतलब ये तुरंत ही भाग कर आ जा रहा है मेरे पीछे। ये जगह काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है इसको। भाई कुत्ते भी पीछे पड़ेंगे क्या आप? वेट, यहाँ पर थोड़ी देर अपनी गाड़ी छुपा लेता हूँ मैं। ओके गाइज, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी मामला शांत है, फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर मुझे यहाँ से निकलना होगा। भाई अगर ड्राइवर ने मुझे अभी देख लिया ना, बहुत गलत सीन हो सकता है। लेकिन आज शायद से अभी तक तो वो यहाँ से चला गया होगा। ऑलरेडी गाड़ी यार इतनी बुरी तरह आगे से ठुक चुकी है, इतनी ज़्यादा पावरफुल कार होने के बाद भी इतनी बुरी तरह ठुकी कि मैं बस भाई अभी भिड़ते भिड़ते मरा हूँ। मेरे को बस डर ये लग रहा है कि कहीं वो पीछे पीछे आ ना रहा हो। ढगन बॉस तो बेचारा चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, पर मुझे ड्राइवर अभी, वेट, ड्राइवर सामने खड़ा हुआ है, इधर आती है ऐसी कि तैसे। अभी मैं इसको उड़ाने ही वाला हूँ। अब बोल बेटा फालतू। गाइस देखो, अभी ना मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं ड्राइवर के ऊपर अपनी एक गाड़ी चढ़ा के इसे मार डालूं। बट हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये आगे आकर हमें दोबारा से प्रॉब्लम देगा। और अगर एक बार को मैं इसको छोड़ भी देता हूँ ना, तो फिर ये डगन बॉस को बचा के कर क्या लेगा? भाई उसकी जैकेट में बॉम्ब लगा हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा और ये दोनों मारे जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि ट्रैवर मारा जाए। और एक सेकेंड भाई साहब, ये कौन, तेरी भैंस की, ये कहाँ से आया भाई? हेलो भाई, ये एक सेकेंड, ये ट्रैवर ने पक्का इन लोग को भी बता रखा होगा, डगन बॉस के गार्ड्स को इसने यहाँ पर पहले से लगा रखा था। गाइस देखो, अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी लेस्टर को कॉल करना चाहिए, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग मुझे सही में मार ही डालेंगे। फिलहाल ट्रैवर गाड़ी लेके चला गया। वेट, मुझे उसका पीछा करना होगा। अभी हटो बे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे आ जा, पहले तू आ जा, तेरा मैं सर फाड़ दूंगा। इधर आप भैंस की गाड़ी चली गई यार वहां पर अपनी। गाइस इन लोगों ने भी मुझे बहुत बुरी तरह मार पीट के इस रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया है। और ट्रैवर भी अपनी गाड़ी लेकर भाग गया है, जिसमें डगन बॉस और वो बॉम्ब था। यार अभी डगन बॉस को मारने चले थे और ट्रैवर की जान बचानी पड़ रही है। फिलहाल सामने से एक ट्रेन आ रही है मुझे। भाई साहब मैं जंप मार के साइड गिर चुका हूँ। वैसे गाइस अभी ट्रैवर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर मैं ये वाली ट्रेन पकड़ लूँ तो मैं ट्रैवर तक जल्द से जल्द पहुँच जाऊँगा। लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से मुझे इस डब्बों पे चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बारी ट्रेन के इंजन तक पहुँच जाऊँगा तो मैं ट्रेन को हाईजैक कर लूँगा। और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद मैं इसकी स्पीड बढ़ाकर ट्रैवर तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी वो लोग ज़्यादा आगे तक जा पाए होंगे। फिलहाल सामने मुझे एक बंदा बैठा हुआ नज़र आ रहा है और इसके पास तो काफ़ी सारे वेपन्स भी। तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। अपने पास गाइस अभी बहुत सही वेपन्स का जुगाड़ हो चुका है, लेकिन ये बंदा भाई मुझे पीटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। भैंस की, निकल यहाँ से, तू मारेगा क्या मेरे को यहाँ पे? मोट चलती गिरी ऐसी की तैसी। फिलहाल अभी मैंने इसको मार के डाउन कर दिया है। भाई यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स पड़े हैं, ये भी मैं आके लेता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैं ट्रेन के इंजन तक पहुँच चुका हूँ। बस अब मुझे इस इंजन में जाना है और फटाफट से इसे हाईजैक करके इसकी स्पीड बढ़ानी है। लेट्स गो। अभी इसकी स्पीड चल रही है 45, 46, 47, 48। बट हाँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा तेज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके अभी ट्रैवर तक पहुँचना है। वेपन्स अपने पास आ गए हैं, अभी मैं ट्रैवर को रोक सकता हूँ। और वेट एक सेकेंड, आप लोग एक बार राइट साइड में ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक कलर की कार जा रही है, ये तो अपनी कार है और ट्रैवर इसी में है। शायद से गाड़ी अब ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही, क्योंकि इसका आगे से बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हो गया है। इनको मैंने ओवरटेक कर दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है ये अपनी गाड़ी लेकर सामने कोई आने वाले हैं, मैं पहले से ही वहाँ पर जाकर खड़े हो जाता हूँ। लेट्स गो। अभी बहुत ज़्यादा सही सीन है, मुझे चलती ट्रेन से कूदना चाहिए या फिर ट्रेन को भी रोकना चाहिए? नहीं, चलती ट्रेन से कूदूंगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात है। एक काम करता हूँ, ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी कम करके ना मैं ट्रेन से उतर जाता हूँ, क्योंकि ट्रैवर अभी बस यहीं पर आने वाला है और मुझे कुछ ऐसा इंतज़ाम करके रखना है। लेट्स गो, अभी मैं ट्रेन से उतर सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ओके, ट्रेन अपना लीवर उसका ऑन है और वो चलती जा रही है। मेरे को वेपन्स मिल गए थे, मैं फटाफट से एक स्टिकी बॉम्ब निकालता हूँ और ये वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रैवर अपनी गाड़ी लेकर यहीं कहीं से जाने वाला है। खैर उसकी गाड़ी सामने से आ गई, मुझे ऊपर न ले आए वरना वो मुझे देख लेगा। गाइस तो ट्रैवर अभी बस अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आने ही वाला है। मुझे उस वेपन क्रेट में से स्टिकी बॉम्ब्स और M416 मिल गए थे। जल्दी से मैं इस जगह के ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ पे कुछ स्टिकी बॉम्ब ड्रॉप कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो उल्टी साइड से निकाल ले, तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ स्टिकी बॉम्ब डाल देता हूँ। मैं 100% श्योर, वेट, ये तो इसी की गाड़ी है। लेट्स गो, बॉम्ब मैंने ब्लास्ट कर दिए हैं और मैं यही कहने जा रहा था कि मैं 100% श्योर हूँ इन बॉम्ब से गाड़ी तो ब्लास्ट नहीं होगी, बट जो बॉम्ब का इफेक्ट है ना, वो ये लोग नहीं झेल पाएंगे। और
जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ट्रेवर भाई उसका जो हेड है वो स्टेयरिंग में भिड़ गया है झटके से, और शायद से अभी वो बेहोश हो चुका है, क्योंकि मारने का प्लान मेरा उसको शुरू से ही नहीं है। तो नहीं, लेट्स गो अभी पूरा मामला क्लियर है। जल्दी से ट्रेवर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फाइनली भाई अभी हमारे हाथ आ गया। मैं इसको यहीं बीच रोड में छोड़ने वाला हूँ, एम्बुलेंस इसे उठा कर ले जाएगी। मुझे ना अपनी गाड़ी को लेकर अभी जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचना होगा जहां पर उन लोगों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं ट्रैवर की वजह से। अगर और देर हुई तो ये बॉम्ब हमारे पास ही ब्लास्ट हो जाएगा। मैं तो ढक्कन बस को गाड़ी समेत पानी में फेंक दूंगा। ओ वेट, आराम से बस भाई क्या हो रहा है ये आज? मेरे को लग रहा है कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। खैर अभी मैं उस जगह के काफी ज्यादा पास आ चुका हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर रिच मैन के बॉडीगार्ड हमें पिक करने आए हुए हैं। लेट्स गो। भाई साहब यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? हट जा भी, तेरे रैप्टा बजा दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। लेट्स गो, जल्दी से अभी गाड़ी से उतरते हैं। गन्स, मैं वेपन्स क्यों लेकर आ गया? वेट, मुझे वेपन्स वापस रखने होंगे। फिलहाल ये डगन बॉस, एक सेकेंड, डगन बॉस क्या कर रहा है? ये सो गया गाड़ी में बैठे बैठे। ओ नहीं, जब बॉम्ब फोड़ा था तो इसके भी झटका लगा होगा। चल भाई चलो, ये डगन बाहर निकल, भूत हो गया तेरा, जब से गाड़ी में बैठा हुआ ना। चल तेरी ऐसी की तैसी, उठ 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 फटाफट से। गन मेरे पास है नहीं, मैंने रख दिया है भी गन, वरना तेरे मैं बजा भी देता। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इन लोगों ने हमारे लिए एक तगड़ी सी गाड़ी। अबे ओ, उधर का सारा रास्ता इधर है। हेलो भाई, ओ तेरी ऐसी की तैसी, इधर है रास्ता, इधर इधर से है मेरे पीछे, वहाँ पता नहीं कहाँ जा रहा है पानी में कूदने के लिए। तो अभी मैंने इसको प्यार से समझा दिया है कि अगर अब धीरे चलने की एक्टिंग करेगा ना तो ऐसा मुक्का मारूंगा सीधा पानी में ही जाके गिरेगा। बाकी एक बार ही आप लोग इधर ध्यान से देखो कि इन लोगों ने हमारे लिए कितनी बड़ी सबमरीन मंगवा रखी है। यार सबमरीन मंगवाई है या फिर ये यॉट है? गाइस कोई सबमरीन वगैरह नहीं है, वो शायद से इन लोगों की आर्मी की है जो कि हमारे पीछे पीछे आने वाली है। बाकी हाँ, रिच मैन ने हमारे लिए ये लग्जरी यॉट भेजी है जिसमें डगन बॉस आगे वाली साइड पर बैठ चुका है, पीछे हम बैठ गए हैं, और ये बंदा इसी के थ्रू हमें उसके आइलैंड पर लेकर जाने वाला है। वैसे तो मुझे ना सही में दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है भाई, जल्दी पहुंचा दियो, लेट हुए ना मैं पानी में कूद जाऊंगा क्योंकि डगन बॉस का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो बस ये जल्दी से पहुंचा दे, अपना सारा काम हो ही जाना है, बाकी सब ओके है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग इस यॉट में बैठकर उसके आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं, और इसका ये जो बॉडीगार्ड है ना वो इसको बहुत ज्यादा स्लोली ड्राइव कर रहा है, पता नहीं क्यों। भाई नहीं होगा एक्सीडेंट यार, तेज चला ले इसको। बाकी मुझे लग रहा था कि इसने यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक सा आर्मी वाला बेस बना रखा होगा, बट ऐसा नहीं है। इसने यहाँ पर अपना लग्जरी मेंशन बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। वैसे गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट है, मुझे जल्दी से उससे पैसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। गाइस आज हम लोग ये आखिरी बार देख रहे हैं डगन बॉस को। रिच मैन के बाउंसर ने आते ही M249 से सीधा इसके मत्थे पे एम रख दिया है। खैर अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बाय बाय डगन। खैर अब तो उसकी गोली से मर या फिर अपने बॉम्ब से मर, मरने तो ये वाला ही है। फिलहाल अभी जल्दी से मुझे अंदर चलना होगा, अभी तो शायद से 10 मिनट ही बचे होंगे, मुझे उससे पैसे चाहिए और यहाँ से फटाफट से निकलना ही निकलना है। कहाँ पर? ओके तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है, जल्दी से चल के इससे बात करते हैं और देखते हैं आखिर ये कितने पैसे हमें देने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी इससे आखिरी बार बात हो चुकी है। इसने मुझे 2 ब्रीफकेस दिए और ये कह रहा है कि बस इसे तुम घर पे जाके खोलना, इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कहीं ये हमें पागल ना बना दे, पता चला घर जाके इसके अंदर नकली नोट, नकली गोल्ड, नकली डायमंड्स निकल रहे हैं। फिलहाल अभी उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले अपनी जान बचानी है। 5 से 6 मिनट के अंदर वो जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट होने वाला है। अब खैर डगन बॉस तो मरे गए, ये भी मरने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इनको देख के। बट हाँ, उसने पता है अपने हाथ में एक पिस्टल ले रखी थी, मुझे लग रहा था कि जब मैं वापस आ रहा हूँ वो मुझे मार देगा। खैर उसका मुझे मारने का कोई प्लान नहीं है, मैं यॉट से वापस नहीं जाने वाला। जब मैं यहाँ पर आ रहा था मैंने इधर एक हेलीकॉप्टर देख लिया था, लेट्स गो, इसी के हेलीकॉप्टर को चुरा के भी भागता हूँ, कोई नहीं मुझे रोकने वाला है। क्या ही रोक लेंगे भाई, 5 से 6 मिनट में ये सब खुद ही ख़त्म होने वाले हैं। बाकी बाय बाय भाई, अपने सबसे बड़े दुश्मन आज इसी के साथ मारे जा रहे हैं। 3, 2, 1, हेलीकॉप्टर का गेट खुला रह गया। कोई नहीं, पहले मुझे इस जगह से दूर निकलना होगा। गेट वेट सब ऑटोमेटिकली बंद होते रहेंगे, जितनी जल्दी दूर जाऊंगा उतना ही ज़्यादा मैं सेफ रह पाऊंगा। लेट्स गो। तो चलो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, टाइम भी पूरे करेक्ट 10 बजने वाले हैं। ओ भाई साहब,
ये कितना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट था। लेट्स गो। इसी के साथ डगन बॉस और रिच मैन का एंड हो चुका है और अभी हम लोग भी चुपचाप से निकल लेते हैं वापस से लॉस सैंटोस। बिग माफिया के भाई को और लेस्टर को ये गुड न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंचानी है। फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी पकड़कर सबक सिखाना है कि पता नहीं यार वो इतनी जल्दी दूसरों बंदों के साथ कैसे पहुंच जाते हैं। खैर ठीक है, जो भी है, फिलहाल अभी बिग माफिया का भाई लॉस सैंटोस आने वाला है तो अभी फुल पार्टी शार्टी चलने वाली है। तो चलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वो जो हमें गोल्ड माइन मिली है उसका हमें क्या करना चाहिए वो भी कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।